हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएसपीसीएस होम। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं विजन आईएएस क्वालिटी मेंस का नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। और इससे पहले हमने भी डिस्कस किया है इक्वालिटी वगैरह का चैप्टर जो है सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब जो है हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिजर्वेशन के बारे में कि रिजर्वेशन क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह भी हमने डिस्कस किया था पहले कि रिजर्वेशन एट अ ग्लांस। रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पर देखेंगे करंट अफेयर में इसमें इससे क्या न्यूज है और रिजर्वेशन किस किस को जो है कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है और कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग जो है क्या क्या जो है आपको सुप्रीम कोर्ट का कुछ डिसीजन है उसको भी देखेंगे जो आपके मेंस आंसर राइटिंग में काफी हेल्पफुल होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको रेगुलर वीडियो अपडेट जो है यहाँ पर मेंस और प्रीलिम्स के रिगार्डिंग विद जो है आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या अदर स्टेट पीसीएस की या कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट मैं करता रहता हूँ जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी हेल्पफुल होगा। सो आइए शुरू करते हैं। तो लाइन बाय लाइन यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ और उसको जो है आपको अपने से जो है उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करके आपको जो है मैं बताता रहता हूँ। तो ये जो है वो यही चीज जो है विजन आईएएस का मेंस 365 का पॉलिटी का ये अलग से अगला सेशन है। तो यहाँ पर जो है रिजर्वेशन इज अ टूल विच गिव्स द अंडर प्रिविलेज्ड इक्वल रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन राइट्स बी इट इन गवर्नेंस और एजुकेशन। अ बेनिफिशियरी ऑफ दिस रिजर्वेशन इज एक्सपेक्टेड टू अपलिफ्ट हिज हर कम्युनिटी। तो सबसे पहले यहाँ पर रिजर्वेशन की बात की गई है कि रिजर्वेशन क्या है। तो कहा गया है कि इस तरह का टूल्स है जो अंडर प्रिविलेज्ड मार्जिनलाइज्ड जो रिप्रेजेंटेड नहीं है, वेल रिप्रेजेंटेड नहीं है, जिनको जो है से पीछे है, बैकवर्ड है, उनको जो है एक टूल प्रोवाइड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कि ये जो है इक्वल पार्टिसिपेशन में आ सके, इक्वल राइट को अवेल कर सके, सिमिलर रिप्रेजेंटेशन हो सके एजुकेशन के फील्ड में, गवर्नमेंट्स के फील्ड में, एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में। तो ये जो है आपको और उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है जिनको ये रिजर्वेशन दिया जाता है उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब वो ये रिजर्वेशन लें और एक अच्छे इस पर आ जाए, एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ जाए, तो वो अपने कम्युनिटी का अपलिफ्ट करें और अपने जो है जो भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, अपने देश का, अपने कम्युनिटी का, अपने सोसाइटी का जो है वो अपलिफ्टमेंट करें आगे चलकर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है क्या क्या रिजर्वेशन दिया गया है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो रिजर्वेशन इज प्रोवाइडेड टू एससी एसटी एंड ओबीसी एट द रेट ऑफ 15%, 7.5% एंड 27% रेस्पेक्टिवली। तो एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5% और ओबीसी के लिए 27% जो है रिजर्वेशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। इन केस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन ऑल इंडिया बेसिस बाई ओपन कंपटीशन गवर्नमेंट में जो भी आपको हो रहा है। 10% रिजर्वेशन अंडर द EWS कैटेगरी अप्लाइज टू दोज नॉट कवर अंडर द एग्जिस्टिंग स्कीम ऑफ रिजर्वेशन फॉर द एस सी एस टी एंड ओबीसी। तो जो 10% जो है जनरल कैटेगरी से है और ये जो है EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है। 103rd जो अमेंडमेंट आया था उसके थ्रू जो है ये एड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये उनको मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू रिजर्वेशन क्या कहता है? तो कहता है रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 15(4), व्हाइल रिजर्वेशन इन पोस्ट एंड सर्विसेज हैज बीन प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 16(4), 16(4A एंड 16(4B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये रिजर्वेशन की बात करता है आपको ओबीसी एससी एसटी इन सबके रिजर्वेशन जो है आपको अगर गवर्नमेंट में एडमिशन लेना है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में तो आर्टिकल 15 राइट टू इक्वालिटी का जो आर्टिकल है 14-18 उसमें जो है ये मेंशन है। और आर्टिकल 16 हमें क्या चीज के बारे में बताता है? अबाउट द एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट। जो है जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो भी आपको गवर्नमेंट जॉब है उसके एम्प्लॉयमेंट में जो है आपको रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है। यहीं पे EWS भी ऐड कर दिया गया है। आर्टिकल 46 जो कि डीपीएसपी का पार्ट है वो क्या कहता है? दैट प्रोवाइड्स दैट स्टेट्स शैल प्रमोट विद स्पेशल केयर द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड ऑफ द एससी एंड एसटी एंड शैल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। तो आर्टिकल 46 जो है वो क्या है? डीपीएसपी, तो डीपीएसपी क्या है? वो वेलफेयर होता है जो स्टेट का वेलफेयर के बारे में बात करता है। और ये कह रहा है कि आपको स्टेट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट का ये कर्तव्य है कि वो जो है जो वीकर सेक्शन है, खास करके एससी एसटी जो सेक्शन है, और उनको जो है इकोनॉमिक, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ध्यान में रख के उनको जो है प्रमोट किया जाए, उनको स्पेशल केयर दिया जाए और उनको जो है एक्सप्लाइटेशन वगैरह से उनको बचाया जाए। तो ये जो आर्टिकल 46 जो है ये हमें एजुकेशन, ये आपको रिजर्वेशन की तरफ जो है इशारा करता है, आपको डीपीएसपी मेंशन है। आर्टिकल 243D बाद में ऐड किया गया था, ये पंचायत से रिलेटेड है। प्रोवाइड्स रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन पंचायत में जो है ये रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है एससी और एसटी को।
आर्टिकल 330 प्रोवाइड्स रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन द हाउस ऑफ द पीपल। लोकसभा में जो है आर्टिकल 330 के थ्रू जो है उनको रिजर्वेशन दिया जाता है एससी और एसटी को। और आर्टिकल 332 में जो है आपको लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है स्टेट में आपको विधानसभा में जो है रिजर्वेशन दिया जाता है एससी और एसटी को। तो ये जो है आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है आपको रिजर्वेशन का, इतने आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए, इसलिए कि आप मेंस में इसका रेफरेंस देंगे तो आपका जो है आंसर काफी अच्छा रहेगा। और ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में भी आर्टिकल आपको आ जाता है। उसके बाद है द मंडल कमीशन। तो मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया था 1990 में जो है, द यूनियन गवर्नमेंट अनाउंस दैट अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी शुड गेट 27% रिजर्वेशन इन जॉब्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस एंड पब्लिक सेक्टर यूनिट अंडर आर्टिकल 16(4) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया और उसके बाद 1990 में जो है ये चीज हो गया कि ओबीसी को जो है आपको 27% रिजर्वेशन मिलेगा आपको गवर्नमेंट जॉब में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। The creamy layer criterion was invoked by Supreme Court in the ruling called the Indira Soni judgment. तो 1992 में इंदिरा सोनी का जजमेंट आया था जिसमें creamy layer का concept लेकर आया गया कि जो भी जिनको रिजर्वेशन मिल गया है और जो creamy layer मतलब कि 8 लाख रुपीज होता है और भी चीजें जो है कुछ क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करते हैं तो वो रिजर्वेशन कोटा से वो फिर बाहर हो जाएंगे। अब उनको जो है परिवार को रिजर्वेशन मतलब उनकी उनको रिजर्वेशन अब आगे नहीं मिलेगा। द डिसीजन वॉज बेस्ड ऑन मंडल कमीशन रिपोर्ट। 1980 में मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया था और उसी पे यह डिसीजन लिया गया। द एजुकेशन कोटा केम इन टू फोर्स इन 2006 अंडर आर्टिकल 15(4) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और एजुकेशन में कब दिया गया आपको 2006 में जो है 15(4) जो है एड क्लॉज 4 जो है वो एड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिजर्वेशन के रिस्पेक्ट में जो है कुछ इंपॉर्टेंट जुडिशियल जो है प्रोनाउंसमेंट है क्या क्या है। इंदिरा सोनी केस 1992 में आया था तो उसके अभी हमने देखा कि ये क्या जजमेंट आया था। तो अपहेल्ड द 27% कोटाज ऑफ द ओबीसी, ओबीसी का जो है 27% कोटा को जो है अपहेल्ड किया, कहा कि ये रहेगा मिलेगा ओबीसी को। रिजर्वेशन शुड नॉट क्रॉस 50% लिमिट, तो 50% से ज्यादा रिजर्वेशन जो है नहीं होना चाहिए, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कही थी इस केस में। क्रीमी लेयर मस्ट बी एलिमिनेटेड फ्रॉम बैकवर्ड क्लास, और जो भी क्रीमी लेयर है जो भी क्रीमी लेयर के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं उनको बैकवर्ड क्लास से अब जो है निकाल देना चाहिए। नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन, प्रमोशन में किसी तरह का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ये बात जो है इंदिरा सोनी केस में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद नागराज केस आया 2006 में एंड इन दिस दैट केस सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ रिजर्वेशन फॉर एससी एंड एसटी टू इंक्लूड प्रमोशन विद 3 कंडीशन। तो इसने कहा कि 3 कंडीशन पे फुलफिल अगर होता है तो उनको जो है एससी और एसटी को जो है प्रमोशन मिलेगा। क्या क्या 3 कंडीशन है वो है क्वांटिफिएबल डेटा ऑन बैकवर्डनेस ऑफ एससी एंड एसटी। तो इतना ऐसा डेटा होना चाहिए जो ये करे कि एससी और एसटी के बैकवर्डनेस का जो है पूरी तरह से डेटा क्वांटिफिएबल डेटा हो। द फैक्ट अबाउट द इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, जो है कि उस इंस्टीट्यूशन में उस जो भी जॉब का जो है आपको जिस जॉब पे वो वर्क कर रहे हैं उसमें क्या है कि उनका इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है, एससी और एसटी का सही से रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कम लोग हैं, उस आधार पे जो है इनको प्रमोशन मिल सकता है। तो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी, और इस तीनों बेसिस पे जो है आपको प्रमोशन मिलेगा किसको, एससी और एसटी को। जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2022 में क्या क्या, रिजर्वेशन ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया अलोन डिड नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कहा गया कि अगर रिजर्वेशन जो है इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे दिया जाता है कि इकोनॉमिकली वीकर है तो बेसिक स्ट्रक्चर को वायोलेट नहीं करता है। EWS deemed a separate and distinct category. EWS जो है economic weaker section जो है वो एक अलग category है, वो आपको जो है से दूसरी category है, बल्कि ये जो है आप जो SC ST वगैरह इन सबसे अलग है। Exclusion of SC ST SEBC was a part of reasonable classification and necessary to avoid double benefits. तो ये सही किया गया है कि इन लोगों को अलग किया गया है, इससे इसमें इनको include नहीं किया गया, अगर ये include कर दिए जाएंगे तो इनको double benefit उसमें फिर मिल जाएगा। Also, reservation as a concept cannot be ruled out in private institution where education is imparted. और ये भी कहा गया कि इसको concept को भी हम नहीं कर सकते हैं कि reservation जो है private institution में नहीं दिया जाए, इसको भी ruled out नहीं किया गया। 50% rule formed in 1992 इंदिरा सहनी judgment is not deemed inflexible and inviolable. It solely applies to SC, ST, SEBC, OBC, not the general category. तो ये जो है 50% रूल जो है वो आपको एससी एसटी ओबीसी के लिए है, और ये जो ईडब्ल्यूएस कोटा जो दिया गया वो इस रूल को जो है आपको वायोलेट नहीं करती है, ये बात इस जनहित अभियान में जो है कहा गया। तो इसको हम देखते हैं कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है ईडब्ल्यूएस कोटा, और इसमें जो है कैसे रिजर्वेशन दिया गया इसके बारे में आप लोग हम लोग जानते हैं।
तो सबसे पहले जो है न्यूज क्यों था, ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको मान्यता दे दी है। तो सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अपहेल्ड वैलिडिटी ऑफ 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच इंट्रोड्यूस 10% कोटा फॉर ईडब्ल्यूएस इन एजुकेशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो जो भी संस्थान है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, शिक्षण संस्थान है और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो है रोजगार वाला है गवर्नमेंट का, उसमें जो है 10% जो है आरक्षण ईडब्ल्यूएस को इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास जो है सेक्शन जो है आपको उनको दे दिया गया 103rd CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। अबाउट ईडब्ल्यूएस कोटा, तो सबसे पहले ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन वाज ग्रांटेड बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सिन्हो कमीशन सबमिटेड रिपोर्ट इन 2010। तो सिन्हो कमीशन ने ये रिपोर्ट सबमिट किया था, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको अपने मेंस में लिखिएगा तो ये सही रहेगा अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो, जिसके रिजर्वेशन वगैरह पे आता है तो ये सिन्हो कमीशन का भी आप डाल दीजिएगा कि इनके रिकमेंडेशन पे दिया गया था ईडब्ल्यूएस जो है रिजर्वेशन। 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 इंसर्टेड आर्टिकल 15 क्लॉज 6 16 क्लॉज 6 इन कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू ईडब्ल्यूएस अमंग नॉन ओबीसी एंड नॉन एससी एसटी सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। तो इन लोगों को जो है दिया गया है, जो ईडब्ल्यूएस को, जो एससी एसटी ओबीसी वगैरह में नहीं इंक्लूडेड है उनके अलावा जो है जनरल कैटेगरी को बेसिकली दिया गया है। एक्ट इनेबल्स बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू ईडब्ल्यूएस। तो दोनों को यह है कि दोनों दे सकते हैं, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों। हाउ डिसीजन टू इंप्लीमेंट रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस इन स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेस्ट विद द स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जो है ये है यूनिवर्सिटी है या फिर जॉब स्टेट गवर्नमेंट क्रिएट कर रहा है तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट को पूरे छूट है कि वो उस तरह से रेगुलेशन कर सकता है जैसे चाहे वैसे वो रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस में दे सकता है। एक्ट अमेंड आर्टिकल 15 टू एडिशनली परमिट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फॉर एडवांसमेंट ऑफ ईडब्ल्यूएस। तो वही आर्टिकल 15 में दिया गया है। फर्दर अप टू 10% ऑफ सीट्स मे बी रिजर्व फॉर सच सेक्शन फॉर एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो कि आपको दिया गया है 15 आर्टिकल 15 में ये क्लॉज 6 जो है जोड़कर। सच रिजर्वेशन में नॉट अप्लाई टू माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो माइनॉरिटी का जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा, आपको उसमें रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। Act also amended Article 16 to permit the government to reserve the 10% of all post for EWS of the citizen. तो 10% जो है आपको जो है employment में भी आरक्षण है और ये Article 16 में mention है। यहाँ पर जो है दिया गया ये क्या क्या add किया गया, तो Article 16, 15 Clause 6 जो कि educational institute में है और Article 16 Clause 6 जो है जो कि आपको government employment में आपको दिया गया है। EWS reservation is in addition to existing reservation। तो जो है EWS जो है एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन में एडिशन है, ना कि जो है आपको जो है उसी के अंदर है बल्कि एडिशन किया गया है। अ पर्सन नॉट कवर अंडर रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी ओबीसी एंड हुज फैमिली हैड अ ग्रॉस एनुअल इनकम ऑफ बिलो 8 लाख, जिसकी जो है जो भी लोग ओबीसी या एससी एसटी में इंक्लूड नहीं है और जिनका जो है फैमिली इनकम जो है 8 लाख से कम है उनको जो है EWS का जो है लाभ मिलेगा। Also excluded were those who had 5 acres of agricultural land। तो वो भी इसमें से exclude है, उसको भी शामिल नहीं किया गया जिनके नाम से 5 एकड़ का लैंड है, 5 एकड़ जो है agricultural land है, ये याद रखिएगा agricultural land, खेती वाला जो लैंड होता है वो है। ए रेसिडेंशियल फ्लैट ऑफ 1000 square feet, अगर 1000 square feet का रेसिडेंशियल फ्लैट भी उसके नाम है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। रेसिडेंशियल प्लॉट ऑफ 100 square yards एंड अबव इन नोटिफाइड म्यूनिसपैलिटीज और 200 square yards इन अदर एरियाज। अगर 100 square yard का जो है अगर रेसिडेंशियल प्लॉट है म्यूनिसपैलिटीज यानी अर्बन एरिया में, शहरी इलाके में, या 200 square yard किसी और जगह पे है अर्बन एरिया को छोड़ के, तो वो भी इससे डिस्क्वालिफाइड है, इससे एक्सक्लूडेड है, इस पर शामिल नहीं होगा, EWS रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। सिग्निफिकेंस ऑफ जजमेंट रीशेप पॉलिटिक्स ऑफ अफर्मेटिव एक्शन। तो ये जो है सिग्निफिकेंट क्या है, इसका क्या लाभ है, तो ये जो है अफर्मेटिव एक्शन को जो है रिप्रेजेंट करता है। EWS कोटा मूव्स द रिजर्वेशन डिस्कशन बियॉन्ड मंडल डिबेट वेड इन फेवर ऑफ कास्ट रिजर्वेशन। तो ये जो है आपको मंडल डिबेट से जो है आगे चला गया, 50% से आगे जा चुका है। इन राम सिंह एनवाड़ेस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस 2015 सुप्रीम कोर्ट सजेस्टेड द नीड फॉर नॉन कास्ट बेस्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। तो इस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जरूरत है कि नॉन कास्ट बेस्ड जो है आइडेंटिफिकेशन बैकवर्ड क्लास का होना चाहिए और उसको भी कुछ चीज़ें मिलनी चाहिए। अटेम्प्ट टू एलिवेट पुअर अमॉन्ग जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यू जो जनरल कैटेगरी में जो गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उनको जो है एक सामान्य वर्ग के तहत एक सामान्य जो है लेवल प्लेइंग फील्ड पे लाने की कोशिश है EWS। EWS कोटा प्रोवाइड्स इकोनॉमिक जस्टिस टू दोज हु हैव नॉट बीन बेनिफिशियरीज ऑफ अफर्मेटिव एक्शन लाइक रिजर्वेशन। तो जो भी पुअर हैं जनरल कैटेगरी में, वो उनसे बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, उनको जो है एक साथ लाने के लिए ये कोशिश की जा रही है।
By reading CAST alongside CLAS, it reconfigures India's affirmative action policy by offering an expansive view. तो एक broader view है CAST और CLAS को जो है, CAST और CLAS को जो है बिल का लेकर चलने का. EWS concern related to EWS के तरह क्या क्या concern है, इसका criticism क्या हो सकता है, क्या क्या इससे घाटा है. Reservation is for social upliftment. सबसे बड़ा जो इससे issue होता है कि ये जो है reservation economic किसी को poor है, poverty खत्म करने का काम नहीं है. Reservation क्या है कि वो है कि social upliftment का काम है, जो भी पिछड़े लोग हैं जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, उनके लिए रिजर्वेशन है, जो हमारे हजारों सालों से जिन पे शोषण होता आ रहा है. रिजर्वेशन कैन नॉट बी यूज्ड एज अ पॉवर्टी एलिविएशन मेजर. तो यही बात कह रहा है कि इसको पॉवर्टी खत्म करने का एक मेजर के तौर पे नहीं यूज कर सकते हैं. पॉवर्टी कैन बी एलिविएटेड बाय अदर मीन्स लाइक स्कॉलरशिप, और भी वेलफेयर प्रोग्राम है उससे हम जो है गरीबी को खत्म कर सकते हैं. वायोलेट प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बाय एक्सक्लूडिंग ओबीसी एससी एसटी कम्युनिटी फ्रॉम ईडब्ल्यूएस. देयर इज अ क्लियर वायोलेशन ऑफ इक्वालिटी इन देयर एलिजिबिलिटी टू अवेल अ पार्ट ऑफ द ओपन कंपटीशन अपॉर्चुनिटीज. तो ये कह रहा है आर्टिकल 14 जो है हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, उसको वायोलेट करता है, इक्वालिटी को वायोलेट करता है ये आर्टिकल. इन सबको इसमें से एक्सक्लूड करके इसलिए एक्सक्लूड किया गया है कि इनको जो है अलग से रिजर्वेशन तो है ही इनके पास. Issue with income criterion of VAT last year has already been questioned as it is liable to result in excessive coverage of social advance class. तो 8 लाख जो है कुछ ज्यादा इनकम है, इसको कम करने की बात हो रही है कि ये बहुत ज्यादा है, इतना को लोगों 8 लाख का इनकम नहीं रखना चाहिए, उसका जो है बेस जो है वो कम होना चाहिए जिनको EWS मिले. Tool of populism. Critics have raised concern about political implications of EWS quota, lighting its potential to exacerbate social tension. तो ये जो है एक political tool है, और ये जो है political चीज भी है. Politicians लोग इसको use करते हैं आपको voting के तौर पे, तो ये चीज तो है. रोड अहेड क्या हो सकता है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है. ए मोर डिटेल्ड डेटा एंड गाइडलाइंस फॉर आइडेंटिफाइंग मोस्ट जेन्युइन टारगेट ग्रुप इज क्रूशियल टू इंश्योर दैट एक्सट्रीमली नीडी इंडिविजुअल गेट बेनिफिट ऑफ द पॉलिसी. तो एक ऐसा डेटा होना चाहिए, एक ऐसा जो है से आपको डेटाबेस तैयार करना चाहिए, लोगों का कलेक्ट करना चाहिए, जिसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हो कि जेन्युइनली जो है जेन्युइन लोग कौन है इसमें शामिल हैं, ताकि जो है से सभी लोग जो है अप्लाई ना कर पाए, जो जेन्युइन हो, जिसको सही में ज़रूरत हो उनका ही नाम इसमें आ सके और रिजर्वेशन का उनको ही फायदा चला. आजकल देख रहे हैं कि अभी ऐसे भी बहुत ज़्यादा मुद्दा चल रहा है रिजर्वेशन को लेकर, जो है आपने देखा होगा, खास करके आपको जो ये जो है हैंडीक्राफ्ट वगैरह जो कोटा होता है उसके थ्रू जो है बहुत सारे यूपीएससी का कैंडिडेट जो है अपना चयन करवा चुके हैं, और साथ साथ रिजर्वेशन का इफेक्ट सर्टिफिकेट का चल रहा है, तो वो सारा मामला तो चल ही रहा है. तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जामिनेशन के लिए हो सकता है, क्योंकि रिजर्वेशन बहुत लाइट इसमें है, आपको न्यूज में है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है. इसके लिए रिजर्वेशन को अच्छे से पढ़ के जाइएगा. Also, government should consider both opening up to the of the EWS quota to all communities and keeping income criterion much lower than the ceiling can be at same level as income tax slab. तो यही बात कह रहा है कि इसको जो है income criteria को जो है low करने की बात हो रही है, और सभी community को इसमें include करने की बात हो रही है. अगर सभी community को include किया जाए तो मुझे नहीं लगता, जो मेरा हिसाब है, तो इसका तो फिर कोई मकसद ही नहीं बच जाता है, क्योंकि सभी community को अलग से reservation दिया. मैं अपना view बता रहा हूँ, सभी community को तो अलग से reservation है, या तो फिर आप इसको रखें ही नहीं EWS को. अगर रखते हैं तो सभी कम्युनिटी को शामिल करने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, अगर करते हैं तो फिर इसका कोई मानी मतलब नहीं हो जाता है. Continuous evolution of conceptual framework is necessary to ensure that affirmative actions are increasingly inclusive in capturing backwardness. तो एक framework तैयार होना चाहिए, continuous evolution हो चाहिए कि किस तरह से जो है इस affirmative action को हर group में जो है कैसे कैसे जो है आपको apply हो सके, सभी लोग इसका फायदा उठा सके, और backwardness को कैसे दूर किया जा सके. पॉलिसी शुड फोकस ऑन एक्सपेंडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर EWS. तो ये एक ऐसा पॉलिसी होना, वो पॉलिसी आना चाहिए जो एम्प्लॉयमेंट को जो है वो फोकस होना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करे, और ना कि इन चीज़ों का जो है बहुत सारी चीज़ें जो है आपको रेवड़ी कहते हैं या वेलफेयर प्रोग्राम, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा अच्छा है कि एक ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो. और अभी गवर्नमेंट का बजट आया है, उसमें आपने देखा होगा कि एम्प्लॉयमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस है, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग जो है एक गवर्नमेंट की प्रायोरिटी भी जो है 9 प्रायोरिटी में से. अभी आपने जो बजट अनाउंस हुआ है तो उसमें जो है 3 तरह का स्कीम भी दिया गया है गवर्नमेंट का, तो वो भी आप पढ़ के जाएंगे, वो भी अपना जो है दे सकते हैं एम्प्लॉयमेंट वगैरह पे आता है. तो गवर्नमेंट शुड प्रायोरिटाइज इनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू रिड्यूस द डिमांड फॉर रिजर्वेशन एंड एंश्योर इक्वल एक्सेस फॉर ऑल स्टूडेंट. तो एजुकेशनल क्वालिटी हमारी ऐसे भी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि डिग्री तो मिल जाती है लेकिन वो जो है स्किल नहीं है, स्किल को डेवलप हो लोगों को जो है ये जरूरत ही ना पड़े रिजर्वेशन की, और स्टूडेंट जो किसी जगह पढ़ते हैं तो वहां से जो है स्किल लेकर निकले, ताकि जॉब पाने में उनको आसानी हो.
लोकल रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर, ये एक टॉपिक है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, रिजर्वेशन के साथ साथ ही है तो इसको भी देखकर खत्म कर लेते हैं। रिसेंटली झारखंड गवर्नमेंट हैज लॉन्च जॉब पोर्टल, तो झारखंड गवर्नमेंट का एक जॉब पोर्टल है, दैट इज झरनी योजना पोर्टल टू इंश्योर 75% लोकल कोटा इन प्राइवेट सेक्टर जो है, इसके लिए ये आपको झारखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था आपको झरनी योजना पोर्टल, प्राइवेट सेक्टर में 75% रिजर्वेशन लोकल कोटा। इसका जो है आर्गुमेंट फेवर में भी है, आर्गुमेंट अगेंस्ट में भी है, तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि किस स्टेट ने क्या लॉन्च किया, इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर प्राइवेट सेक्टर में लोकल रिजर्वेशन हो तो उससे क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। तो पहले देख लेते हैं सपोर्ट में आर्गुमेंट को, प्रोवाइड राइट टू एम्प्लॉयमेंट, इट इज टू प्रोटेक्ट द राइट टू लाइफ लाइवलीहुड ऑफ पीपल डोमिसाइल्ड इन स्टेट एंड टू प्रोटेक्ट देयर हेल्थ लिविंग कंडीशन एंड द राइट टू एम्प्लॉयमेंट। तो वही बात है कि जो वहां रह रहे हैं उनके लिए ये चीजें हैं कि वहां के लोग निवासी को जो है काम मिले, वहां का लाइफ अच्छा हो, लाइवलीहुड अच्छा हो और उनको एम्प्लॉयमेंट वहां पे जनरेट हो। डीलिंग विद श्रिंकिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी घट रही है उससे जो है डील करने में आसानी होगा, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रिड्यूस होगा। कर्बिंग सेलेक्टिवली डिस्क्रिमिनेटिंग कॉरपोरेशन, एम्प्लायर्स बिलीव द लोकल वर्कर्स लैक वर्क डिसिप्लिन, अनविलिंग टू लर्न न्यू ट्रेड्स, इंक्लाइन टुवर्ड्स पॉलिटिकल एंड ट्रेड यूनियन, सीन एज प्रेशर टैक्टिक्स बाय बिजनेस। तो ये जो है आपको जो है कॉर्पोरेट जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं लोकल वर्कर्स के लेकर के, इस तरह से लोकल वर्कर होते हैं वो सही से काम नहीं करते हैं, तो ये सारी चीज़ें को जो है कर्ब करेगा, कम करेगा। एड्रेस माइग्रेशन, ये बहुत बड़ा समस्या हमारे देश में माइग्रेशन, आपने कोरोना के टाइम में देखा होगा किस तरह से जो है ग्रेट माइग्रेशन हुआ था हमारा, जो है आज़ादी के टाइम में हुआ और कोरोना के टाइम में बहुत बड़ा माइग्रेशन हुआ था, और उस टाइम में हमें समझ में आ गया था कि लोग कैसे कैसे कहाँ कहाँ काम करने जाते हैं। It will discourage influx of migrants seeking low-paid jobs, which has a significant impact on local infrastructure and leads to the proliferation of slums. तो यही बात है कि ये जो है migration को कम करेगा, लोगों की स्थिति को ठीक करेगा। Less crime rate, अगर लोग job में होंगे तो crime के प्रति जो है हिंसा के प्रति या कोई भी ऐसी चीजों के प्रति लोगों का ध्यान ही नहीं जाएगा, अपने job में involved रहेंगे। Meaningful engagement to youth. बूस्ट जीडीपी, तो स्टेट का जीडीपी जो है वो बूस्ट होगा, बढ़ेगा, इकोनॉमिक ये जो है इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। रिड्यूस्ड एब्सेंटिज्म एंड डिपेंडेंस ऑन माइग्रेंट लेबर कैन बूस्ट प्रोडक्टिविटी विच इन टर्न विल बूस्ट स्टेट ग्रोथ, तो स्टेट का ग्रोथ होगा भाई, सब चीज़ें लेबर ज्यादा वहाँ वर्क करेंगे, वहाँ का इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा होगा। एग्रेरियन डिस्ट्रेस, विद ग्रेट स्ट्रेस इन एग्रीकल्चर सेक्टर अक्रॉस इंडिया, लोकल पीपल वांट टू मूव अवे फ्रॉम इट एंड सीक लोकल जॉब। तो जानते ही एग्रीकल्चर पे जो है भार कम होगा, क्योंकि हम जानते हैं एग्रीकल्चर लगभग 55-60% तक जो है पीपल जो है इंडिया का पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, और मोस्टली जो है क्या है एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 20% के अराउंड है, तो सबसे ज़्यादा जो है प्राइमरी सेक्टर में वर्क करते हैं खास करके एग्रीकल्चर में, और ये एग्रीकल्चर आप सीजनल है जानते हैं, यहाँ पर डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ज़्यादा होता है, तो वो चीज़ें जो है आपको देखने को मिलता है एग्रीकल्चर में, तो इस पर स्ट्रेस कम होगा। आर्गुमेंट अगेंस्ट में अगर देखते हैं क्या हो सकता है, इन कंट्रावर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज प्रोवाइडिंग फॉर प्रेफरेंस इन जॉब्स टू लोकल कैंडिडेट्स डोमिसाइल्ड इन हरियाणा वाज इन कंट्रावेंशन ऑफ आर्टिकल 14-16 एंड आर्टिकल 19-1G। हरियाणा में भी ऐसा किया गया था और ये कहा गया कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन के इसके आर्टिकल्स को वायोलेट करता है। फ्यूल सन्स ऑफ द सॉइल सिंड्रोम, तो ये जो है आपको एक नया चीज जो है करता है, सॉइल्स ऑफ द सन्स मतलब कि वहाँ के जो निवासी है डोमिसाइल्ड हैं उसका जो है ये आता है कि इनको ही जॉब मिलना चाहिए, बाकियों के प्रति जो है एक तरह का ये भी हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन भी होगा। स्टाइफल लेबर मार्केट, सच रिजर्वेशन में पुश बिजनेस टू माइग्रेट एज देयर स्किल वर्क फोर्स इज नॉट सफिशियंटली लोकल, ये भी एक अच्छी ये भी बात है कि हर जगह लोकल वर्क फोर्स जो है वो उतने स्किल नहीं होंगे, इससे क्या होगा कि जो बिजनेस है वो दूसरी जगह जो है अपना बिजनेस मैन जो है दूसरी जगह बिजनेस एस्टैब्लिश करेंगे, क्योंकि उनको जो है उस तरह का स्किल वर्कर वहाँ पे नहीं मिल पा रहे हैं। रिवाइवल ऑफ लाइसेंस राज, मेनी एक्सपर्ट बिलीव दैट अलाइंग रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर वुड बी अकीन टू नॉर्मलाइजेशन और नेशनलाइजेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड वुड रिजल्ट इन रिवाइवल ऑफ लाइसेंस राज, तो यही बात होगा कि नेशनलाइजेशन प्राइवेट सेक्टर का मोस्टली नेशनलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली क्या है स्टेट को प्राइवेट सेक्टर को जॉब देना पड़ रहा है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, और ये जो है लाइसेंस राज को जो है क्रिएट कर देगा फिर से। नो सॉल्यूशन टू कोर इशूज, एस्क्यूड ज्योग्राफिकल डेवलपमेंट, इन्वेस्टर प्रीफर टू स्टिक टू स्टेट्स वेयर अ गवर्नेंस इकोसिस्टम इज ऑलरेडी इन प्लेस, लो क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल एंड स्किल, ये सारी चीज़ें जो है आपको वहाँ पर देखने मिलेगा, स्किल एजुकेशन लो क्वालिटी हो सकता है लोकल जो है उस तरह का। कॉम्पिटिटिवनेस, एडिक्यूट स्किल डोमेस्टिक लेबर मे नॉट बी अवेलेबल विच मे हर्ट देयर एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस, वही बात है जो हमने पहले किया कि इस तरह के लेबर अवेलेबल नहीं होंगे और उसके जो है कंपनी उसको फर्क पड़ेगा उसके जो है एफिशिएंसी में उसके प्रोडक्शन में फर्क पड़ेगा। रिस्ट्रिक्ट पूल ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम विच दी कैन हायर, तो
वो जो कैंडिडेट है जो एलिजिबल है जो आपको मेरिट वाले हैं वो जो है से नहीं हायर कर पाएंगे, रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा जिससे कंपनी को जो है लॉस होगा ही। जाहिर सी बात, इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज माइट शिफ्ट देयर ऑपरेशन टू अदर स्टेट एडवर्सली इंपैक्टिंग द वेरी रैशनल ऑफ जॉब क्रिएशन बिहाइंड सच लॉस। तो इंडस्ट्रीज क्या करेगी आखिरी में कि जो है अब दूसरी जगह इन्वेस्ट करेगी, दूसरी जगह जो है अपना फैक्ट्री स्टैब्लिश करेगी। इससे क्या होगा, इससे स्टेट को भी घाटा होगा क्योंकि वहां जो इकोनॉमी जनरेट नहीं होगा, वहां और ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, इंडस्ट्री नहीं रहेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाएगा, आप जो है ये भी डिस्ट्रेस का कारण हो जाएगा। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, ब्रिजिंग रीजनल इनइक्वालिटीज बाय सेटिंग अप ऑफ एजुकेशनल एंड स्किल्स इंस्टीट्यूशन इन बैकवर्ड एरियाज। तो वहां पे क्या हो सकता है कि एक इनइक्वालिटी जो है उसको जो है कम किया जा सकता है इन सब चीजों को, और वहां पे स्किल डेवलप किया जाए ताकि वो जो भी पढ़ के निकले उनको जो है एक अच्छा रोजगार और अपने आप जो है अपने सलाहियत पे, अपने एबिलिटी पे, अपने कैपेबिलिटी पे ले सके। प्रमोशन ऑफ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज टू क्रिएट मोर जॉब्स। तो ये प्रमोट होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हो ताकि वहां पे ज्यादा से ज्यादा जॉब हो। एमएसएमई सेक्टर को जो है आपको इन्हांस करना चाहिए क्योंकि ये जो है कॉटेज इंडस्ट्रीज वगैरह जो है मोस्ट जॉब जो है क्रिएट करते हैं आज भी। प्रोवाइड इंसेंटिव टू इंडस्ट्रीज फॉर मोर इन्वेस्टमेंट एंड क्रिएट एन इनेबलिंग एनवायरमेंट फॉर एम्प्लॉइंग लोकल पीपल। और ये जो है इंसेंटिव दीजिए आप इंडस्ट्रीज को कि ज्यादा से ज्यादा आपके स्टेट में ये इन्वेस्ट करें। और अगर ये क्राइटेरिया रखिएगा, अगर आप लोकल को हायर करते हो तो आपको अलग से जो है कुछ चीजें मिलेगी, कुछ टैक्स में पे जो है से कम होगा, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। तो इससे जो है इंडस्ट्री आपको जो है वहां पर ये होगा कि हाँ वहां इन्वेस्ट किया जा सकता है। इम्पॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोटा इन प्राइवेट सेक्टर। तो इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट देखते हैं। डॉक्टर प्रदीप जैन केस 1984 में आया था, उसमें क्या हुआ था, कोर्ट एक्सप्रेस्ड एन ओपिनियन दैट लेजिस्लेशन फॉर सन्स ऑफ द सॉयल वुड बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये जो लेजिस्लेशन है सन्स ऑफ द सॉयल की, जहाँ की मिट्टी के जो निवासी है उनको मिलना चाहिए, ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी का बराबर का हक है। सुनंदा रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1995 में क्या जजमेंट आया था, इट स्ट्राइक डाउन स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी दैट गिव 5% एक्स्ट्रा वेटेज टू कैंडिडेट हु हैव स्टडीड विद तेलुगु एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये जो है आपको तेलुगु से अगर किसी ने पढ़ा है आंध्र प्रदेश में तो ये जो उनको एक्स्ट्रा वेटेज दिया गया था, लेकिन ये जो है इसको जो है स्ट्राइक डाउन कर दिया गया आपको 1995 में, सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, खत्म कर दिया। ये जो है हमारा रिजर्वेशन इन सिविक बॉडी पोल, तो आपको पता होगा हरियाणा बॉडी कैबिनेट हैज एक्सेप्टेड स्टेट बैकवर्डनेस क्लास कमीशन रिपोर्ट ऑन पोर्शन प्रोपोर्शन फॉर रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड क्लास ब्लॉक ए कैटेगरी इन अर्बन लोकल बॉडीज। तो हरियाणा ने इसको एक्सेप्ट किया था। कमीशन हैज रिकमेंडेड दैट एवरी म्युनिसिपल बॉडी शैल हैव एटलीस्ट वन काउंसिलर बिलोंगिंग टू बीसी इफ इट्स पॉपुलेशन इज नॉट लेस देन 2% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ यूएलबी। तो एक कैंडिडेट कहाँ से होना चाहिए, वो होना चाहिए आपको जो है बीसी कैटेगरी से होना चाहिए म्युनिसिपल बॉडी में। एज पर आर्टिकल 243 टीसी देयर विल बी नो बार ऑन स्टेट लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एनी म्युनिसिपैलिटी और ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन इन म्युनिसिपैलिटीज इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास और सिटीजन। तो ये जो आर्टिकल 243 में जो है ये चीज़ है कि कोई बार नहीं है, स्टेट लेजिस्लेशन जो है इस पर बना सकता है रिजर्वेशन के रिगार्डिंग म्युनिसिपैलिटीज में। एज सुप्रीम कोर्ट इन कृष्णा मूर्ति वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया विकास कृष्ण राव 2010 इन गवाली वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स 2021 हैड आउटलाइंड ट्रिपल टेस्ट और कंडीशन फॉर फाइनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन टू ओवरसीज इन लोकल बॉडीज। तो ये जो है इस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल जो है आपको तीन तरह की जो है टेस्ट बताया, कंडीशन बताया, जिससे जो है आप रिजर्वेशन दे सकते हो लोकल बॉडीज में। सेटअप डेडिकेटेड कमीशन टू कंडक्ट अ रिगरस इंपेरिकल इंक्वायरी इनटू नेचर एंड इम्प्लीकेशन ऑफ बैकवर्डनेस इन लोकल बॉडीज। तो ये जो है एक इंक्वायरी कमीशन बैठाना चाहिए जो पूरी तरह से जांच करे कि किस तरह का बैकवर्डनेस है लोकल बॉडीज में, क्या है नहीं है, किसको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, ये पहला कंडीशन होना चाहिए। स्पेसिफाई द प्रोपोर्शन ऑफ रिजर्वेशन रिक्वायर्ड इन लोकल बॉडीज इन लाइट ऑफ कमीशन प्रपोजल। तो ये देखे कि कितना रिजर्वेशन जरूरी है, कितना प्रोपोर्शन का रिजर्वेशन जो है उस लोकल बॉडीज में जरूरत है, किसको और किसको जरूरत है। इंश्योर रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी ओबीसी टेकन टुगेदर डज नॉट एक्सीड एन एग्रीगेट ऑफ 50% ऑफ टोटल सीट्स। तो ये जो है आपको इन सबको लेकर चल देखे कि इन सब के रिजर्वेशन को मिलाकर जो है 50% को एक्सीड तो नहीं कर रहा, ये सारी चीजें जो है आपको इस कमीशन को देखना पड़ेगा, तब जाके आप जो है से लोकल बॉडीज में इस तरह की रिजर्वेशन आप दे सकते हो। तो ये जो है आपको था। अब आगे जो है नेक्स्ट है कास्ट सेंसस, जिसके बारे में हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।